Okay, guys, let's begin. सबसे फर्स्ट ये है गाइस, देखो आज ये हमें प्रूव दैट में करना है, ठीक है? सो थिंग इज दिस, अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, देखो cos x cos x cos x कंटिन्यू मतलब इंफिनिटी पे जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है ये काम। तो गाइस ध्यान से देखो मैं किस तरह के सॉल्व करने वाला हूँ गाइस मैं इसको, ठीक है? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तुम लोग इसका स्ट्रैटेजी समझ लो, बिकॉज नेक्स्ट सम भी ऐसा ही सेम होने वाला है। ओके, अब सबसे फर्स्ट ये इसको तो बना लेते हैं फर्स्ट, बिकॉज क्वेश्चन को फर्स्ट बना लेते हैं। अच्छा गाइस, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मतलब कर पाएंगे डिफरेंशिएशन ये, बट कितनी बार करेंगे डिफरेंशिएशन गाइस, कितना लंबा समय है इसको, कहीं ना कहीं जाकर मिनिमाइज तो करना ही पड़ेगा हमें इसको। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये गाइस, बहुत सारे रूट के टर्म्स हैं, तो क्यों ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं मैं। तो मैं अगर यहाँ पे करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर होगा तो रूट का टर्म निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट cos x plus dot 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 और infinity, बराबर सबको बताइए, ठीक है? अब देखो ये देखो ध्यान से, अब ये टर्म मतलब ही यही है ना, इसमें तो मैं और रूट डाल सकता हूँ, और रूट डाल सकता हूँ, मतलब ये टर्म मतलब ही यही है, सबको समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या बताऊँ? देखो मैंने स्क्वायरिंग किया तो पहला वाला रूट उड़ा, सर, वही हाँ, अंदर वाला रूट नहीं उड़ाया गाइस, अंदर रूट नहीं उड़ा, सिर्फ बाहर का रूट ही उड़ाया, समझा? तो ये पूरा टर्म की जगह पे y डाल सकता हूँ, मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स दिस इज cos x प्लस y आ जाएगा, यहाँ बोलूंगा मैं फ्रॉम 1। अच्छा पहले बताओ गाइस, किसी को यहाँ पे कुछ समझा नहीं तो पूछ लो, यहाँ पे समझाना। ओके अब क्या है, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तो सिंपल, जैसे हम जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं ना वैसे कर देंगे गाइस, ठीक है? करो डिफरेंशिएट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx, यहाँ पे आ जाएगा y square, this is d by dx और यहाँ पे है cos x, this is d by dx और यहाँ पे आ जाएगा y, y square का क्या आ जाएगा, differentiation to y and this is dy upon क्या आ जाएगा dx, cos का differentiation क्या आता है, minus sin x आता है, plus यहाँ पे क्या आ जाता है dy by dx। next क्या करते हैं, grouping करते हैं, बनाओ group, तो 2y this is dy upon dx minus this is dy upon dx equals to minus sin x। ओके अभी कॉमन निकालें, dy upon dx बॉक्स बना, 2y minus 1 equals to minus sin x, उसको उठा के शिफ्ट करो नीचे, हो गया ना काम, क्या प्रॉब्लम है, dy upon dx equals to minus sin x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है? प्रॉब्लम इज दिस गाइस, ऊपर माइनस नहीं है और नीचे का जो टर्म है गाइस वो स्वैप है, स्वैप उल्टा है, देखो ये माइनस है तो ये प्लस है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव ऊपर नीचे है तो नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो वैसे भी नेगेटिव ही टर्म रहे, कहीं पे शिफ्ट करो ऊपर या नीचे क्या फर्क पड़ेगा, देखो मतलब आ गया आंसर, dy / dx इक्वल्स टू यहां पे sin x, तो माइनस डालो, ये डालो 2y माइनस 1, इसे dy upon dx लिखो, equals to यहाँ डालो sin x, open करो sin change करो minus, और ये हो जाएगा plus, तो plus minus 2y, ये आंसर, देखो hence proof, देखो लग कितना difficult रहा है, but solving part उतना है आसान है guys, और ऐसा examination में questions आ चुके हैं हमारे, ठीक है? तो guys चलो फटाफट इसको लिख लो, हमें अभी गिन के दो सम्स और करने हैं गाइस, और मतलब ये खत्म हो जाएगा पूरा हमारा, पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा ये। अच्छा नेक्स्ट वन खुद कोशिश करोगे क्या तुम लोग, नेक्स्ट वन ट्राई करना, नेक्स्ट वाला तुम्हें अगर आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है? नहीं आया तो मैं डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा, तो पहले कॉपी कर लो ये, नेक्स्ट वन खुद कोशिश करो, सेम करना है, स्क्वायरिंग रूट हुआ तो स्क्वायरिंग वगैरह करो विदाउट टर्म्स।
सबका हो गया गाइस, लिख के जरा बताओ सर। 2 मिनट है, लास्ट की स्टेप है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज दिस, अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, एंड फॉर्मूला सम जो निकाल रहे हैं, जो करना है 1/x ब्रैकेट 2y-1। कोशिश करोगे, ट्राई करोगे गाइस, ट्राई स्क्वायरिंग करो, फिर कोशिश करो, देखो तुम्हें आता है क्या नहीं आता है। नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, बट ट्राई करना है गाइस आप लोगों ने। करो क्वेश्चन यार, चलो गाइस खुद ट्राई करना है तुम लोगों ने। हो गया सर। अच्छा गाइस, सब लोग को आया आंसर गाइस? क्रॉस चेक करें क्या? चलो देखते हैं। ऑफ कोर्स स्क्वायरिंग और बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर, रूट निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट log x plus not defined। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट है, यहाँ y square डालेंगे, यहाँ पे log x डालेंगे और ये पूरा टर्म की जगह पे y डाल देंगे।
और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन ऐसा, ठीक है। इसे करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज डी बाय डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, दिस इज डी बाय डी एक्स, दिस इज लॉग एक्स प्लस डी बाय डी एक्स एंड दिस इज वाई। वाई स्क्वायर मतलब क्या आ जाता है, टू वाई, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। शिफ्ट करो 2y dy upon dx, this is dy upon dx equals to 1 upon x, common nikalo dy upon dx bracket, this is 2y minus 1 equals to 1 upon x, kya karna hai, shift kar do, ho gaya niche aa gaya, dy upon dx equals to 1 upon x 2y minus 1, acha मुझे तो गाइस कितने लोगों को आंसर मिला ये वाला जरा बता दो। हां सर आए, आया सबको बराबर है सर, चेक कर लो गाइस अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो, आया है प्रॉपर, ठीक है चलो। यस सर, ओके। अभी ऐसा वाला और एक क्लास क्वेश्चन ऐसे टाइप का जहां पे इनफिनिट तक आता है सब, तो और एक सम जरा ट्राई करो, ठीक है, कोशिश करो देखो तुम्हें आता है कि नहीं आंसर आता है, नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है चलो कोशिश करनी है गाइस। Okay, here we go. तो क्वेश्चन है हमारा x raise to x raise to x raise to dot 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 infinity, ठीक है, और आंसर है dy upon this is dx equals to y square upon x 1 minus log y square upon x bracket 1 minus log y, ठीक है चलो गाइस गो अहेड। तो इसे हमने सॉल्व करना है, हाँ तो मैं ट्राई कर देखो तो मैं आता है कि नहीं आता, ट्राई करो, नहीं आया तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लास्ट में, तो पहले खुद जरा कोशिश कर लो एक बार, ट्राई खुद मार लो एक बार। सर लॉग डालने का है क्या इसमें? यस डालना पड़ेगा लॉग इसमें, ठीक है चलो गाइस ट्राई करो, कोशिश देखते तुम्हें आता है कि नहीं आता, ट्राई करो, नहीं तो आखिर में तुम्हें बताने ही वाला।
गैस हुआ। चलो ट्राई करते हैं y equals, ओके वेरी गुड। चलो बाकी लोग जिनको नहीं आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। फाइन, अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये टर्म को फर्स्ट बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे y डालेंगे equals to x is to x is to x is to x, मतलब ये क्या होता है y होता है ना, तो मतलब ये x है और ये पूरे टर्म की जगह y डाल देंगे। सबको समझाइए, कुछ क्वेश्चनिंग है सब लोगों को। देखो ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, तो ये पूरे टर्म को हम y पकड़ रहे हैं, समझ रहे हो क्या, जितना भी x is to टर्म होंगे सारे y पकड़ेंगे। तो मतलब ऊपर वाले टर्म को ये x कैसे रखेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम शिफ्ट किससे कर देंगे, y से कर देंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे दोनों साइड पे log डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log y, ठीक है। log y करेंगे, सबको पता क्या होने वाला आगे, इधर भी हमारे पास दिस विल बी log x is to y, फिर यहाँ पे log y equals to y log यहाँ पे आ जाएगा x, difference with respect to x करो तो d by dx this is log y, y फिर d by dx और यहाँ पे log x, फिर यहाँ पे log x and this is d by dx और y जाने, log y क्या आता है 1 upon y, this is dy upon dx, बराबर, x का क्या जाता है y 1 upon x, और इसका तो वैसे रहेगा log x and this is dy upon dx, इसको हम इधर लिखे आएंगे, so 1 upon y, this is dy upon dx, this is log x, this is dy upon dx equals to y upon x, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल ले, 1 upon y minus, अच्छा कॉमन निकालेंगे, dy by dx यहाँ पे 1 upon y up माइनस लॉग एक्स ऐसा आ जाएगा एंड वाई अपॉन एक्स ऐसा होगा, ठीक है। सबको पता होगा ये टर्म नीचे शिफ्ट करना है, लेकिन शिफ्ट करने से पहले क्या इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बॉक्स बनाओ अपॉन वन डालो, यहाँ पे वन आ जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, माइनस वाई दिस इज लॉग एक्स अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा वाई और यहाँ पे ब्रैकेट करो, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स ऐसा करो। अभी सुनो, ये वाई को ना इधर और ये इधर यहाँ डाल दो, ठीक है, देखते क्या आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा x ब्रैकेट 1 माइनस y और यहाँ पे आ जाएगा log x ऐसा है। y log x मतलब भी log y। हाँ करेक्ट, अभी देखो तो बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो चाहिए वो रखना है, जो नहीं चाहिए उसको अप्रोप्रिएट टर्म के साथ उड़ाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो y स्क्वायर चाहिए तो रखना पड़ेगा, x चाहिए तो रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे दिया 1 माइनस log y चाहिए और यहाँ पे तो 1 माइनस y log x है, तो जरा चेक करो, देखो लुक एट दिस y log x मतलब क्या होता है, देखो log y, इसको ना सेकेंड नेमिंग कर दो ऐसे, सबको समझ रहा है गाइस, देखो हमें एडजस्टमेंट हमेशा जो सॉल्विंग पार्ट है, जो क्वेश्चन पार्ट है उसमें से ही करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो dy upon dx equals to y square upon x 1 minus this is log y, देखो प्रूव्ड हो गया, और यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेकेंड। अच्छा सबको समझाए, आप बताओ जरा मुझे पहले, कुछ कंफ्यूजन है किसी को, एनीवन 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 गाइस, पक्का किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ओके तो